Good morning, students. Myself, Manish Arya. I am a lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, Hanumangarh. आज हम एमई 209 के एक टॉपिक एंगुलर मेजरमेंट एंड गेजेस पे डिस्कशन करेंगे. इससे पहले हमने लाइट वेव इंटरफेरेंस को चार वीडियो लेक्चर सीरीज में कंप्लीट किया था. इस टॉपिक में भी हमें 5 से 6 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी. और इस टॉपिक में जो मेन कंटेंट्स रहेंगे वो होंगे एंगुलर मेजरमेंट. एंगुलर मेजरमेंट के लिए क्या क्या टेक्निक आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं, जिसके अंदर बेवल प्रोट्रैक्टर, ऑटोकॉलीमेटर, कैलिनोमीटर, साइन बार, एंगल गेजेस एंड एंगल डेकर है. इसके अलावा जो टॉपिक हैं वो गेजेस के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट गेजेस जैसे कि स्टैंडर्ड बॉल गेजेस, टेलीस्कोपिक गेज, फिलर गेज एंड वायर गेज हैं. तो सबसे पहले हम एंगुलर मेजरमेंट का बेसिक के बारे में देखते हैं. द एंगल इज डिफाइंड एज ओपनिंग बिटवीन टू लाइन्स विच मीट एट ए पॉइंट. एंगल किन्हीं भी दो लाइन जो कि एक पॉइंट पर आपस में मिलती है उनके बीच की जो ओपनिंग है उसको हम एंगल कहते हैं. सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए डिग्री. सर्कल को हम 360 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और हर पार्ट को हम एक डिग्री कहते हैं. फर्दर ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स. हर डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है. एंड ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड और हर मिनट को हम 60 सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं. अब हम बेवल प्रोट्रैक्टर के बारे में पढ़ते हैं जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल मेजरमेंट के लिए यूजफुल है. बेवल प्रोट्रैक्टर हैज़ ए बेस प्लेट और स्टॉक हूज सरफेस हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड सरफेस फिनिश. द स्टॉक इज प्लेस्ड ऑन द वर्कपीस हूज एंगल इज टू बी मेजर्ड. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि बेवल प्रोट्रैक्टर के अंदर एक बेस प्लेट होती है जिसको स्टॉक भी कहा जाता है, जिसकी एक वर्किंग एज होती है. यहाँ पर आप देखिए वर्किंग एज है. उस वर्किंग एज की डिग्री ऑफ फ्लैटनेस एंड सरफेस फिनिश काफ़ी हाई होती है. द स्टॉक इज प्लेस्ड ऑन द वर्कपीस. इस वर्किंग जिस भी सरफेस वर्कपीस का हमें एंगल मेजर करना है उसके ऊपर इस वर्किंग एज को पुट किया जाता है. एन एडजस्टेबल ब्लेड अटैच्ड टू ए सर्कुलर ब्लेड द डायल इज मेड टू कॉन्सर्ट विद द एंगुलर सरफेस. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ब्लेड है जो एडजस्टेबल है. इसको हम रोटेट करके जिस भी वर्कपीस की एंगल मेजर करना है उसकी सरफेस के साथ कॉन्साइड करवा सकते हैं. और कॉन्साइड करवाने के बाद आप यहाँ पर एक ब्लेड लॉकिंग नट देख पा रहे हैं. उस ब्लेड लॉकिंग नट की सहायता से उसको लॉक कर सकते हैं. इसके अलावा इसके अंदर एक सर्कुलर स्केल होता है जो कि डायल के ऊपर माउंटेड होता है और उसकी सहायता से हम एंगल की रीडिंग को मेजर कर सकते हैं. यहाँ पर आप बेवल प्रोट्रैक्टर देख पा रहे हैं कि जब हमें इस वर्कपीस का एंगल मेज़र करना है तो हमने इसको हमने बेवल प्रोट्रैक्टर की वर्किंग एज को इस वर्कपीस के ऊपर रख दिया. इसके अलावा यहाँ पर एक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक वर्किंग एज और है. इस वर्किंग एज के ऊपर हम वर्कपीस को रख के एंगल को मेज़र कर सकते हैं. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने वर्कपीस को रख के एंगल को मेज़र कर सकते हैं. ये देखिए आप कैसे एक्यूट एंगल मेज़र कर सकते हैं, ऑब्टूज एंगल मेज़र कर सकते हैं. इसके अलावा हम देखेंगे बेवल प्रोट्रैक्टर में रीडिंग को कैसे लेते हैं. इट इज़ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एंगल बिटवीन टू फेसेस ऑफ ए कंपोनेंट. किसी भी कंपोनेंट के दो फेसेस के बीच में एंगल को मेजर करने के लिए जो सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसको बेवल प्रोट्रैक्टर कह सकते हैं. तभी बेवल प्रोट्रैक्टर के अंदर दो स्केल होते हैं. एक स्केल होता है मेन स्केल और दूसरा स्केल होता है वर्नियर स्केल. द मेन स्केल इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री ऑफ आर्क. द डायल इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री ओवर एन आर्क ऑफ 180 रीडिंग 0 डिग्री टू 90 डिग्री फ्रॉम ईच एक्सट्रीमिटी ऑफ द आर्क. जो मेन स्केल है वो डिग्री ऑफ आर्क में ग्रेजुएटेड होता है और उसके जो सेंट्रल लाइन से हर एक्सट्रीम पॉइंट तक 90 डिग्री ग्रेजुएटेड होता है. द वर्नियर स्केल हैज़ 12 डिवीज़न ईच साइड ऑफ द सेंटर जीरो. वर्नियर स्केल के ऊपर सेंट्रल लाइन से हर डायरेक्शन में 12 डिवीज़न होते हैं. दीज डिवीज़न आर मार्क 0 टू 60 मिनट्स ऑफ द आर्क सो दैट ईच डिवीज़न 1/12 ऑफ 60 दैट इज 5 मिनट ऑफ आर्क. हर डिवीज़न 0 से 60
मिनट ऑफ आर्क पे, 12 डिवीज़न 0 से 60 मिनट ऑफ आर्क को का स्पेस लेते हैं, मतलब कि हर डिवीज़न 5 मिनट ऑफ आर्क के बराबर होता है। द वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड अप सो दैट 12 डिवीज़न ऑक्यूपाई द सेम स्पेस एज 23 डिग्री ऑन द मेन स्केल। ये जो 12 डिवीज़न है, ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये मेन स्केल के 23 डिग्री को ऑक्यूपाई करते हैं। इससे आपका ईच डिवीज़न ऑफ द वर्नियर इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ 23, मतलब कि आपके वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की जो वैल्यू है वो 23/12 डिग्री होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है बेवल प्रोटेक्टर के। बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम किसी भी सरफेस के इनसाइड फेस के एंगल को मेज़र कर सकते हैं, वी ब्लॉक को चेक कर सकते हैं, एक्यूट एंगल को मेज़र कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बेवल प्रोटेक्टर की में हम रीडिंग कैसे लेते हैं। रीडिंग ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर, द लार्जेस्ट हुज डिग्री ऑन द मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल इन लाइन विथ मेन स्केल। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग, आपने ये देखा कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ जिस भी लाइन पे कॉन्साइड करे तो वो मेन स्केल की रीडिंग होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के 51 के साथ कॉन्साइड कर सकता है, तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 51 डिग्री। उसके अलावा जहाँ पर भी वर्नियर स्केल की रीडिंग और मेन स्केल की रीडिंग कॉन्साइड करती है तो उतना वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है, जो कि यहाँ पर 45 मिनट है। तो टोटल रीडिंग 51 डिग्री 45 मिनट होगी। इसके बाद हम ऑटोकॉलोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑटोकॉलोमीटर और ऑटोकॉलोमीटिंग टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंगल डिफरेंसेस, कॉमा चेंजेस और डिफ्लेक्शन। इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, अलाइनमेंट एट्सेट्रा। ऑटोकॉलोमीटर और ऑटोकॉलोमेटिंग टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्मॉल एंगुलर डिफरेंसेस, कोई भी डिफ्लेक्शन को मेजर करने में काम आता है। इसके अलावा इसे हम किसी भी सरफेस की स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस और अलाइनमेंट को चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट इट प्रोवाइड्स अ वेरी सेंसिटिव एक्यूरेट अप्रोच। किसी भी स्मॉल एंगल को मेजर करने के लिए यह इंस्ट्रूमेंट काफ़ी सेंसिटिव और एक्यूरेट अप्रोच प्रोवाइड करवाता है। एन इनफाइनाइट टेलीस्कोप एंड कॉलीमेटर कम्बाइंड इनटू एन इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर आप एक कॉलीमेटिक लेंस देख पा रहे हैं, ये लेंस है जो कि इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है ऑटोकॉलीमेटर के लिए। कॉलीमेटिक लेंस का मतलब ये होता है कि ये किसी भी लाइट ऑफ बीम को पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन ए बीम ऑफ रे कमिंग आउट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आर मेड पैरेलल बाय प्लेसिंग ए कॉलीमेटिक लेंस, सोर्स शुड बी एट फोकस पॉइंट ऑफ लेंस। किसी भी पैरेलल बीम ऑफ रे जो कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से निकलती है, उसको कॉलोमेटिक लेंस की सहायता से पैरेलल कर दिया जाता है। पर शर्त यह होनी चाहिए कि वो जो कि आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है वो लेंस के फोकस पॉइंट पर कॉन्साइड करना चाहिए, लेंस के फोकस पॉइंट पर होना चाहिए। इफ़ दीज पैरेलल रेज आर मेड टू फॉल ऑन रिफ्लेक्टर देन द रे रिफ्लेक्ट बैक एंड अराइव एंड ट्रेवल्स इन द सेम पाथ एंड कन्वर्ज एट द सोर्स थ्रू द लेंस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट डायग्राम में आपको बताते हैं कि यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर होता है जिससे जब इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकलती है और कॉलोमेटिक लेंस जब इस लाइट को पैरेलल कर देता है, जब ये रिफ्लेक्टर से स्ट्राइक करके वापस अपनी पोजिशन पर टकराती है, अपनी पोजीशन पे लौटती है और कॉलोमेटिक लेंस उसे वापस उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। व्हेन द रिफ्लेक्टर इज टिल्टेड बाय एन एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टर रेज मेट एन एंगल टू थीटा ट्वाइस द एंगल थीटा एंड कन्वर्ज एट पॉइंट ओ डैश।
जब हमने इस रिफ्लेक्टर को, ये जो रिफ्लेक्टर है, इसको एक एंगल थीटा के से टिल्ट किया, से घुमाया, तब जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज है वो एट पॉइंट ओ डैस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ओ डैस पॉइंट है, इस पर स्ट्राइक करेगी और वो जो रेज होगी वो टू थीटा इस ओ डैस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी और आपकी जो रेज जो एंगल बनाएगी वो टू थीटा एंगल बनाएगी, जो कि आपका रिफ्लेक्टर एंगल जो जैसे हमने थीटा एंगल पर टिल्ट किया था, तो ये जो रेज हैं ये टू थीटा एंगल के का एंगल बनाएगी। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ओ और ओ डैश के बीच की जो डिस्टेंस है, ये ओ और ओ डैश के बीच की डिस्टेंस है, ये टू थीटा एफ होगी और इसको हम टोटल ओ डैश को एक्स मान लेते हैं, जहाँ पर कि थीटा तो एंगल जो हमने टिल्ट किया था वो है और एफ इज द फोकल लेंथ, मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लेंस है। बाई मेजरिंग द लीनियर डिस्टेंस, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम ये लीनियर ओ डैश की मेजरमेंट ले लेंगे, द इंक्लिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस थीटा कैन बी डिटरमाइन। जैसा कि आपको पता है कि ओ डैश इज इक्वल टू थीटा एफ इज इक्वल टू एक्स है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमने एक्स की वैल्यू मेजर कर ली, फोकल लेंथ हमें पता है, तो इस टू थीटा एफ इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन से हम थीटा एंगल को मेजर कर सकते हैं। द फाइनल पोजिशन, द पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ द रिफ्लेक्टर फ्रॉम द लेंस। यह कहना चाह रहा है कि जो फाइनल इमेज की जो पोजिशन है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि रिफ्लेक्टर और लेंस के बीच की पोजिशन क्या है। सो द सेपरेशन एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द रिफ्लेक्टर फ्रॉम लेंस। तो हमारा जो सेपरेशन एक्स है वो रिफ्लेक्टर और लेंस की पोजिशन से के पे डिपेंड नहीं करता है। ऑटोकॉलीमेटर की एप्लीकेशन क्या क्या है देखिए, चेकिंग ऑफ है इंटरनल राइट एंगल, किसी भी इंटरनल राइट एंगल को चेक करने के लिए ऑटोकॉलीमेटर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेरेटिव मेजरमेंट यूजिंग मास्टर गेजेस की कंपेरेटिव मेजरमेंट के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मेजरिंग स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ सरफेस, किसी भी सरफेस की स्ट्रेटनेस एंड फ्लैटनेस को हम मेजर कर सकते हैं। कंपोनेंट के स्क्वायरनेस एंड पैरेलल, वो कंपोनेंट पैरेलल है या नहीं उसको असेस कर सकते हैं। फॉर मशीन टूल एडजस्टमेंट सेटिंग, मशीन टूल की एडजस्टमेंट सेटिंग को हम मेजर कर सकते हैं। तो आज हमने दो टॉपिक डिस्कशन किए, पहला टॉपिक हमारा पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो बेवल प्रोटेक्टर था, बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से कैसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, कैसे हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं, इसमें दो स्केल होते हैं मेन स्केल वर्नियर स्केल। उसके बाद हमने ऑटोकॉलीमेटर को मेजर किया, ऑटोकॉलीमेटर में कैसे हम एंगल को मेजर कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्पिरिट लेवल क्या होता है आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।